विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तीन जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पहली तस्वीर नूह की है। नूह में कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की अगुवाई में डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने निर्देश पर पंचकुला में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कांग्रेसी नेता प्रदीप चौधरी की अगुवाई में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार को सभी भारतीयों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नई टीकाकरण नीति लानी चाहिए और पूरे भारत में सभी के लिए टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तीन तस्वीरें पंचकुला, नूह, कुरुक्षेत्र की आपके सामने है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कांग्रेस जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से सवालिया निशान जो है केंद्र सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जो है वो सौंपा है।